अच्छा कितनी खुश हो रही है, बाय बाय। यार इधर चेक करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ सिद्रा एंड आके व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज के दिन सबसे पहले तो जो है वो मामी तैयार हैं, उनका अपने भाइयों के साथ प्रोग्राम बन चुका है जाने का, मरी नरान का गान, मतलब नॉर्दर्न एरियाज में जो है ना वो उनका जाने का प्रोग्राम बन चुका है। तो वो सुबह सुबह का टाइम है, अभी 8 बज चुके हैं, तो वो कर रही हैं अपनी तैयारी, पैकिंग एंड ऑल। तो उनकी सबसे पहले जाके हेल्प करती हैं और उसके बाद घर की सब जिम्मेदारियाँ यकीनन मुझ पर ही आ जाएंगी। तो आज की सारी रूटीन किस तरह से गुजरती है, क्या सीन होता है, आपके साथ शेयर करेंगे। आप व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। अच्छा जी, सुबह सुबह का वक्त, सुबह 8:30 बजे का वक्त है और हम लोगों ने जो है वो नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करके हम फ्री हो चुके हैं और अब जो है वो सासू माँ का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो प्लान बन गया अपने भाइयों के साथ टूर पे जाने का, और इनको अभी तक ये नहीं पता कि इन्होंने जाना कहाँ पे। नहीं, वो हर दफा गाल अच्छा, होती खाली मेरी मैं बात सुने, हर दफा बात हो रही है, कहती है ये तो मैं पूछने भूल गई कहाँ जाना है। मतलब इसका मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ब्रदर, ठीक है। हाँ जी, मैं इतनी दफा गाल हो ना, बस किस टाइम जाऊना, कितने जाऊना, किमें जाऊना, ये कपड़े कितने बना लेन, ये कर ले, सर्दी होनी है, गर्म सूट हो, लेकिन मैं ये नहीं पूछे जाऊना कितने। यार मतलब हैरत है, आवाम भी इस बात पे परेशान होएगी कि मतलब तैयार हो गई है, कोई पता नहीं है जाना किधर है, जहाँ ले जाओ वहीं ठीक है, बिल्कुल मैं चलने को तैयार हूँ। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। चलें भाई, यहाँ पे जो है ना वो सारा सामान आ चुका है, तो अब हम जो है वो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रख लेते हैं मुजम्मिल की पेंट शर्ट जो है वो इस साइड पे रख लेते हैं, और आपके कपड़े वो जर्सी वगैरह थोड़े ज्यादा मतलब हो जाते हैं तो वो इस तरफ रख लेते हैं, ठीक है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जर्सी रख ली है, उसके बाद एक सूट, फिर दूसरा सूट, फिर तीसरा सूट, नहीं बल्कि दो ही सूट है ना, नहीं मैं दो ही लेके जाऊंगी। हमने मम्मी को इतना कहा है रेडीमेड आपको पहना हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था, पहन ले, कहती मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। हालांकि इनकी एज की आवाम जो अभी तक रेडीमेड सलवार कमीज पहनती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन भाई मैं नहीं अच्छे लगते, मैं तो अपने खुद से सिलाई कीते हुए तो 3 पीस सूट ही अपना। नहीं आप पहना करें, आपको अच्छे लग रहे थे जब मैंने देखा ना। यार नहीं, माशाल्लाह आप जेडे बच्चे हैं ना, हूं नहीं अच्छा नहीं लगता, अपने जमीर दिल भी नहीं करेंदा, इस तरह पता नहीं की हो जाता वक्त के नाल, लेकिन बड़े पाया ने इस्तेमाल किए थे, लेकिन हूं नहीं दिल करेंदा, क्यों नहीं करता क्यों। ये सारी पैकिंग तो कर रही हैं, तो कोई मेकअप वगैरह भी रख लें। हाँ जी, मेकअप उठा के दें ना, जो मुखसर जाए एक दो आइटम बस। हाँ बस, मतलब एक मैं नहीं तिब्बत फर क्रीम ठीक है। नहीं यार, वहाँ पे आप प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेके आनी है, मैं बार बार दोनों को बंदों को बोल रही हूँ प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेनी, स्नो होनी है आजकल, दिसंबर का महीना है ना तो स्नो पड़ रही होनी है। मैं फ्रेश रहता इंशाल्लाह, जो को था बर्फ जाके जम के उस तरह बाहर जा सके किसी कोने में। सही हो गया देखा होगा कि हम ये ड्रेस लेकर आए थे, और देखे शूज भी मैच कर लिए हैं भाई, पहले वाले शूज वैसे ले आई, मेरे को सनीकर इस तरह का हाई, मैं तो ना ये लिया, तो माशाल्लाह भाई ये इस्तेमाल च आ गए, चले पहन लिया ये सूट पहन लिया, ये भाई जर्सी न्यू है, आज तो सब कुछ नया नया सर से पांव तक। हां जी, एक्साइटमेंट चेक करें इनकी, जानते भी तो नवे पासे पई है ना, तो नवी बन के है। बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, साहब को नहीं लेके जा रही, नहीं हाज साहब में कुछ बच्चे भी तो कर लेना गा रही है, गर्मियों का टुकड़ा कर सां, सर्दियों में ना वो नहीं जा सकते, तो गर्मियों में इंशाल्लाह जाते हैं इंशाल्लाह, सारी फैमिली इकट्ठी इंशाल्लाह। बच्चियों का भी ख्याल रखना, हाजी साहब का भी ख्याल रखना भाई, सारा घर आपका, ठीक है ठीक है, सारी जिम्मेदारी पे सासु मां ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। बिल्कुल। अच्छा जी, दिन का आगाज़ हो चुका था, मामी जा चुकी हैं अपने सफ़र पर, और यहाँ पर बच्चों की पुप्पो आई हुई थी काफ़ी दिनों से जो है ना, जब से हमने मिलाद की तकरीब करवाई थी उस दिन वो आई थी, और वो यहीं रह गई थी, तो वो आई हुई थी, उन्होंने जाते जाते जो है वो अपने भाई से फरमाइश कर दी कि मुझे ये सर्दियों की पक्की बना कर दें, जिसमें जो है वो निसरी, इसके अलावा बादाम, अखरोट और चने इस्तेमाल होते हैं, और वो यूज़ होती है जोड़ों के दर्द और खांसी और इस किस्म के अमराज के लिए ना। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी मैंने अच्छी बना ली थी, वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल ठीक बनाइए, ऐसे ही बनती है। तो और इसके बाद वो चने वाला आ गया था,
यहाँ पे गली में तो सर ने कहा कि भाई मुझे चने लेने हैं बिकॉज अब मम्मी नहीं है जो खर्च मम्मी उसके पूरे करते थे मम्मी मेरी बेटी का ख्याल रखना तो यकीनन अब मुझे ही उसको लेकर देने थे तो मैं और वो मिलकर वो तो बच्ची है खैर लेकिन मैं भी उसके साथ बच्ची बन गई क्योंकि हम मैं भी यार इतनी बड़ी तो नहीं हूँ अभी खैर इनका टेस्ट भी अच्छा था स्टार्टिंग में लगा जैसे नमक ज़्यादा हो लेकिन बाद में बहुत मज़ा आया अब इनको करते हैं टेस्ट मुझे लगता है सारा काला नमक डाल दिया सारा वैसे ज़्यादा है लेकिन वैसे ठीक लग रहे हैं है ना इतना भी माड़ा नहीं है अभी हमारे ट्रांजिशन देखिएगा फ्रॉम दिस टू दिस आज हमारी किस्मत वैसे ही हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रही थी बिकॉज एक चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी कि दूसरी आ जाती थी दूसरी ख़त्म नहीं हो रही थी कि तीसरी इसके बाद गन्ने भी आए थे खैर हमने जो है ना वो दो किस्म के सालन आज बना लिए सबसे पहले मैंने बनाया है ये चिकन का सालन और चिकन जो है वो मैं वैसे सालन बना लेती हूँ लेकिन चिकन धोने में मुझे बड़ा इशू होता है और आज तो आया भी बहुत अजीब किस्म में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था लेकिन खैर चिकन का सालन मैंने तैयार कर लिया सबसे पहले ये था मेरे सालन की लुक और ये भी सबको ये वैसे अभी तक किसी ने खाया नहीं है इसके पसंद नापसंद का मुझे पता नहीं है और दूसरा सालन जो मैंने यहाँ पर किया वो मैंने ट्राई किया था यहाँ पर मटर और अंडे का सालन मटर अंडा सालन मतलब बहुत यूनिक है बहुत कम लोग इसको बनाते हैं नहीं तो ज़्यादातर लोग जो वो बनाते हैं ना वो बना लेते हैं आलू अंडा आलू मटर मतलब इस तरह से करके ना लेकिन हमारे घर में मतलब मेरे मायके में ज़्यादातर बनाया जाता था मटर अंडा और हम सब लोगों को पसंद भी बहुत था जब मैंने ये डिश बनाई ना और मामू ने और सब ने खाई है तो सबको भी बहुत पसंद आई है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोगों को बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी मैंने किस तरह से बनाया था ये बहुत टेस्टी बनता है इवन जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उनको भी बहुत पसंद आया तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा अच्छा भाई अभी ना हमारे गाँव से जो है वो गन्ने भी आ गए हैं मामी भी रवाना हो गई हैं हम लोग मतलब सारा दिन हमारा इतना बोर से गुजरा हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से अपना दिन जो है ना वो स्पेंड कर रहे हैं खैर अब इसको खाते हैं इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हमने रखनी है अपनी शक्करकंदी ठीक है काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि हम जो है ना वो आग जला के और आग पे पकाएंगे उसको लेकिन सारे ही चले गए मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर अब मैं अकेली होकर भाई क्या ही कर लूँगी और सदफ वैसे ही मेरे साथ लोली सी बच्ची लोली सी तो चला यार इधर चेक करो मैं इतनी मजबूत अच्छा जी आज का दिन मेरा इतना 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 मसरूफ गुजरा है ना कि मैं बता नहीं सकती और मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से जो है वो व्लॉग शेयर नहीं कर सकी अपनी रूटीन शेयर नहीं कर सकी इवन बोनफायर नाइट्स एंड पता नहीं क्या क्या प्लान्स थे बट वो यही है ना कि मतलब जो भी करना होता है वो सबके साथ मिली भगत में ही होता है अकेले में बंदा जो है वो समझ में नहीं आती कि क्या करें क्या नहीं सो होप्स हो कि नेक्स्ट डे मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग कंटेंट लेकर आऊँगी मैं सोचती हूँ इससे रिलेटेड भी एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी अगर वीडियो को पसंद आई है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़